सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं किसान किसान होगी, और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चडूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए वो जो ट्रैक्टर है ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो, कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाए खूबसूरत, जो हमारी किसानों की हमारी दशा को दिशा को बयान करती हो, झांकियां भी बनाकर लेके आए। बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए, और बड़ी गिनती में आइए और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। साथियों, पिछले 5 दिन से हमारा ये 5वां राउंड बातचीत का था। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के साथ, जैसा आप सब जानते हैं 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया था कि हम रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से बहुत दुख के साथ इंतजार किया है, और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे, और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी, और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। टाइम का, जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहाँ जहाँ पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे, सब आगे बढ़े, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे।